चलता तुषार, कल 32 साल के हो जाओगे लेकिन बच्चों की तरह मूड बदलते हो। कल तक तो तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए गोवा जाने का प्रोग्राम था और आज अचानक तुमने इस जंगल में अपने पुराने दोस्त पंकज के बंगले पर जाने का फैसला कर लिया। क्या बात है तुषार, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। नहीं, रश्मि ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। बस जरा ऑफिस की प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान चला गया तो और कुछ नहीं। तुम एक काम करो, जाकर दरवाजे की घंटी बजाओ, मैं गाड़ी बंद करके आता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो। तुम चलो। मैं बहुत डरा हुआ और मेरे डर का कारण सिर्फ तुम हो। पहले की बात छोड़ यार, पहले तो तू रोज मिला करता था, पर तूने शादी क्या की? तू तो गायब ही हो गया, भूल गया हमें, मुझे, आशा को? क्यों नहीं यार, बस ऐसे ही, तू नहीं समझेगा। तेरी शादी होगी ना तब पूछूंगा। मेरी शादी की बात छोड़ दे यार, जब तक आशा की शादी नहीं होती मेरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। भैया आप भी बस फिर से मेरी शादी की बात लेकर बैठ गए। आप लोग अपने पुराने दिनों को याद कीजिए, तब तक मैं और भाभी केक का इंतजाम करते हैं। हाँ भाई, इतने सालों के बाद इतने बड़े महान लेखक हमारे घर पे पधारे हैं, केक का इंतजाम तो होना ही चाहिए। तुषार तू भी कमाल की चीज है यार, तू पैदा भी हुआ तो रात के ठीक 12 बजे, आज और कल के बीच में, लेकिन तेरा जन्मदिन तो हम आज ही मनाएंगे। क्यों भाई, तू घबरा ऐसा क्यों लग रहा है? कोई परेशानी है क्या? परेशानी? जिंदगी का दूसरा नाम परेशानी ही है। शादीशुदा होने के बावजूद भी जिंदगी में एक अकेलापन छा गया है। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। बात क्या है, कोई मुसीबत है? हाँ पंकज, एक बहुत गहरी मुसीबत है। मेरी बीवी, तेरी शादी को अभी 3 साल भी नहीं हुए, मुझे लगा तुम लोग बहुत खुश हो। यार पंकज, हर इंसान को अपनी जिंदगी में सच्चाई का सामना करना पड़ता है और सच्चाई मेरे सामने खड़ी है। आज रात को मेरी तकदीर मेरा फैसला कर देगी कि मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। कहानियां मत सुनाए, साफ साफ बता बात क्या है। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। 3 साल पहले की बात है, एक दिन तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं घर पर ही था, रात काफी हो चुकी थी, मैं गहरी नींद में था। मैंने कोई डरावना सपना देखा और घबरा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे कोई मुझे मार रहा है। मैं डर गया। मेरा अचानक मेरा सारा कमरा बदल गया। मेरा बिस्तर, खिड़कियां, पर्दे, दरवाजे, सब कुछ बदल गया। फिर मैं घबराकर अपनी नींद से जाग गया।
ये मैं कहाँ गया? ये तो मेरा कमरा नहीं है, मैं तो अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं किसी और के कमरे में कैसे आ सकता हूँ? ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? जो कुछ भी हुआ हाँ मौसी, वो कुछ सपना ही होगा। अगर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ सचमुच ही हो रहा है। सचमुच ही हो रहा हूँ। क्या मतलब बेटा? तुम जानते हो कल की रात कौन सी रात थी? कल तो मंगलवार था, 21 जनवरी, मतलब मेरा जन्मदिन। जन्म 21 जनवरी की रात को ठीक 12 बजे हुआ था, और कल रात ठीक 12 बजे ही तुम्हें वो सपना आया। आप भले ही भूत प्रेत में विश्वास रखती हो, मगर मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। देखो तुषार, ठीक 12 बजे मतलब तुम्हारे जन्म के समय पर तुम्हारे साथ एक घटना होती है जिसमें तुम अपनी लाश को देखते हो। तुम देखते हो कि एक अजीब से कमरे में एक औरत तुम्हें मार रही है। शायद ये सच भी हो सकता है। आपका मतलब है कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सच भी हो सकता है? हाँ, कभी कभी हमारे मन की शक्ति हमें आने वाली घटनाओं के बारे में बता देती है। हमें पूर्वाभास हो जाता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ शायद तुम्हारी जिंदगी में होगा। मेरी जिंदगी में होगा? हाँ, एक दिन शायद तुम्हारे जन्मदिन की रात को कोई औरत तुम्हें मार डालेगी, बिल्कुल कल रात के सपने की तरह। तुमने उस औरत का चेहरा नहीं देखा, इसलिए बेटे हर औरत से सावधान रहना। जाने इनमें से कौन तुम्हारी जान लेने वाली है। मुझसे ये सब सहन नहीं होता, ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए रश्मि जी, मेरी कोई दवाई आपके काम नहीं आएगी। मेरी मानिए, आप कहीं बाहर जाइए घूमने के लिए, लोगों से मिलिए, नए नए फ्रेंड्स बनाइए। आपका अकेलापन ही आपकी बीमारी है। Are you sure, doctor? आप कहती हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ हाँ, बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, इससे आपको ही फायदा होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। आपको इंतजार करवाया। अब मुझे बताइए कि आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे? आज सुबह जब आपका फोन आया तो बड़े घबराए से लगे। कुछ नहीं डॉक्टर, डॉक्टर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं सचमुच का हादसा है, लेकिन अब सोचता हूँ कि शायद वो एक बुरा सपना ही था। खैर छोड़िए डॉक्टर, ये बताइए कि ये जो लड़की अभी अभी यहाँ से गई है वो कौन थी?
रश्मि मेरी पेशेंट। क्या केस है? देखो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बस इतना ही कहूंगी कि इससे दूर ही रहो, इसकी खूबसूरती से बचकर रहना ही ठीक है। वैसे इसको बीमारी तो कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी इमोशनली डिस्टर्ब है, उससे दोस्ती मतलब मुसीबत को गले लगाना। चुप्पी मारने की दवाई मिलेगी? माफ कीजिए मैडम, हमारा स्टॉक खत्म हो गया। ओह, तो फिर कोई भी और जहर, कुछ भी जो काम आ सके? मैडम हमारे पास कोई जहर वहर नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं रखते, माफ कीजिए आप। ओह, अच्छा वो मैंने से नहीं किया। ये क्या बात हुई भाई साहब, आपके पास वो चूहे मारने की दवाई है? मैंने आपकी सब बातें सुन ली। आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर आपने उस लड़की से झूठ क्यों कहा? अजी अगर वो चूहों को मारने के लिए जहर मांगती तो मैं उसे जरूर देता, मगर वो तो अपने आप को मारना चाहती है। क्या? जी अजी पागल औरत है साहब, अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं इसको, यहीं तो रहती है पास में। अजी हमेशा कुछ दिनों बाद इसको ऐसे ही दौरे पड़ते हैं और फिर यहाँ आकर चूहे मारने का जहर मांगने लगती है। कमाल है, इतनी खूबसूरत लड़की और आत्महत्या करना चाहती है। मैडम देखिए मैं डॉक्टर सांघवी का दोस्त हूँ, मेरा नाम तुषार है, मैंने आपको डॉक्टर सांघवी के दवाखाने में देखा, इसलिए आपका पीछा करते करते यहाँ तक चला है। फिर हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? आप मेरी मदद करना चाहते हैं? मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों, ऐसी क्या बात है? वैसे तो मैं नॉर्मल हूँ, बस कभी कभी नींद से उठती हूँ तो अपने आप को दूसरी जगह पाती हूँ, पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच जाती हूँ। ओ, तो नींद में चलने की बीमारी है आपको, ये सब किस वजह से होता है, बुरे सपने? पता नहीं, मैं होश में नहीं रहती, शायद इसलिए कुछ याद भी नहीं रहता, बस एक अजीब सी हलचल महसूस करती हूँ, एक घुटन जिसे दिल चाहता है कि किसी का खून काट डालूं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है, मैं किसी का खून करने का सोच भी कैसे सकती हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि मैं आपको मार डालूं ताकि मामला ही खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता मैं किस हाल में हूं, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं। कौन कहता है कि आप अकेली हैं? मैं हूं ना आपके साथ। न जाने मेरे सर पर कैसा भूत सवार हो गया था, रश्मि के प्यार में मैं मौसी की दी हुई चेतावनी भी भूल गया, और साथ साथ वो खतरनाक सपना भी भूलता चला गया, और फिर एक दिन हम दोनों ने शादी कर ली। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, रश्मि मेरी जिंदगी में क्या आई, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो गए। तीन महीने बाद एक रात मैं एक कहानी लिख रहा था, रश्मि भी सो चुकी थी, और मैंने देखा कि नहीं, मत मारो।
रश्मि मत मारो। रश्मि रश्मि बात क्या है? रश्मि 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 चलो अच्छा हुआ तुम जाग गए, थोड़ा सा गर्म दूध पी लो तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या हुआ रश्मि? रश्मि पहले हुए। अच्छा उसके बाद कभी फिर से ये हुआ, मतलब ये नींद में चलना वगैरह? नहीं कभी नहीं, लेकिन उस रात के बाद डर के मारे मेरी रातों की नींद हराम हो गई, और फिर मेरी जन्मदिन वाली रात को तो बिना चेहरे वाली खतरनाक औरत मुझे बार बार याद आती है, और मुझे मालूम है वो खतरनाक औरत रश्मि ही है। इसलिए पकड़, इसलिए यार मैं अपने पिछले दो जन्मदिन किसी ना किसी दोस्त के यहां मनाता रहा हूं, आज रात को वो मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। पंकज तो डर की वजह से तुम मेरे घर पे आए। देख यार पंकज, आज की रात मैं अपनी मौत के साथ अकेला नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। देखो यार तुम एक कहानीकार हो सकता है तुमने कोई अच्छी कहानी लिखी हो। काश यह कहानी होती पंकज, लेकिन यह सब कुछ मेरे साथ बीत चुका है। आज फिर मेरे जन्मदिन की रात है, आज मैं मारा जाऊंगा पंकज, आज मैं मारा जाऊंगा। क्या हम केक काटे? क्या हुआ? हाँ हाँ लाओ केक लाओ। नहीं सर। यस चलो तुषार केक काटो। अरे भाई कोई छुरी भी लाया है कि नहीं, या उंगली से काटेगा वो? भैया कैसे भूल सकते हैं, रश्मि भाभी के पास है। अरे ये तो मेरा चाकू है, लगता है इसे कवर में रखना भूल गया। नहीं सर, अब क्या हुआ, अब क्या परेशानी है? पंकज पंकज ये तो वही चाकू है जिससे उस रात उस औरत ने मुझे सपने में मारने की कोशिश की। क्या? हाँ, मुझे जितना याद है ये वही चाकू है। सर अपने आप को संभालो, चाकू सभी एक जैसे लगते हैं। नहीं पंकज मैं मारा जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मारा जाऊंगा। सर अपने आप को संभालो, तुम मेरे साथ हो, मेरे घर में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन करो सर, मुझ पर यकीन करो। नहीं पंकज आज रात को मैं मारा जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मारा जाऊंगा। हुआ क्या है तुषार? हाँ तुषार क्या बात है? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तुषार यूं ही टेंस हो गया। कम ऑन तुषार केक काटो, चलो 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो मैं ही काटूं। हाँ चलो कम ऑन तुषार। यस हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Tushar, happy birthday to you. चलो भाई अब केक खा। लो भाई। अरे
खाओ यार, खाओ, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा केक है, खाओ खाओ, रिलैक्स। मुझे दो यार, मुझे भी दो, मैंने क्या किया, मुझे भी दो, चलो। वाह फैंटास्टिक, खाओ यार, खाओ खाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तो शुरू करता हूँ भाई, रहा नहीं जाता। अरे भाभी आप नहीं खाएंगी तो? नहीं, मैं मीठा नहीं खाती। आज आपके पति का जन्मदिन है, मीठा खाना आज के दिन शुभ माना जाता है। थोड़ा तो लेना। नहीं नहीं, केक कैसे बनाए तुषार? पंकज भैया, अच्छा अच्छा, पर कुछ न, अजीब सा टेस्ट लग रहा है, कुछ कड़वा लग रहा है। नो प्रॉब्लम, अच्छा लग रहा है। हाँ मैं नैपकिन लेकर आती हूँ। हाँ यार खा। तुषार बिल्कुल मूड में नहीं था, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी तबीयत का तो पता नहीं, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ चक्कर सा आ रहा है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बेडरूम में जाकर सो जाओ, वैसे ही काफी देर हो चुकी है, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। आज रात मुझे फिर से दोहरा पड़ने वाला है, काश मैं जल्दी सो सकती। रश्मि और आशा दोनों सो गई हैं, अब तुम भी जाकर सोने की कोशिश करो। यार पंकज, आज रात को मैं कैसे सो सकता हूँ? आज रात तो मेरा खून होने वाला है, मेरा खून। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। ये क्या, लाइट चली गई? ओह माय गॉड, सपने में बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा छा गया था, आज रात को बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उस रात को सपने में हुआ था। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू बैठ, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा। पंकज अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ तुझे मैं बेडरूम दिखाता हूँ, तू थोड़ी देर आराम कर ले, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। नहीं पंकज, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ ना, चलो चल यार चल। कुछ नहीं होगा, मैंने बताया ना, चल तू, मैं दिखाता हूँ रास्ता, चल। लो तुषार, ये रहा तुम्हारा कमरा, लो, रश्मि तो पहले से ही सो रही है। पंकज, पंकज ये तो वही कमरा है। क्या? हाँ पंकज, ये वही कमरा है जिसे मैं बार बार अपने सपनों में देखा करता हूँ। ये देखो, वही आईना जिसमें मैंने अपनी लाश देखी थी। हाँ, ये वही बिस्तर है, ये वही बिस्तर है जिस पर उस बिना चेहरे वाली औरत ने बार बार चाकू से वार किया था।
के पीछे मैं छिप गया था। मैं यहाँ नहीं रहूंगा सर। सर ये कैसे हो सकता है? वो सब मैं नहीं जानता। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जरूर रश्मि ने किया होगा ताकि मैं यहाँ से भाग ना सकूं। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। पंकज तू मुझे अपनी गाड़ी की चाबियां दे। मेरी गाड़ी तो खराब है। मैं जा नहीं रोक सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं पैदल चला जाऊंगा। होश में आ बेवकूफ इंसान, आसपास जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा, कहाँ जाएगा तू? तुषार, तुषार, तुषार क्या हुआ तुम्हें? इधर बैठ, बैठ इधर तू। संभाला संभाला संभाला, बैठ जा बैठ। ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले। मुझे अजीब सा लग रहा है यार, चक्कर आ रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? मेरा सर चक्कर आ रहा है। दोनों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो सकती है? चक्कर कैसे आ सकते हैं? रश्मि ने कुछ दिलाया होगा। रश्मि ने पंकज उठ मेरे दोस्त। पंकज क्या हुआ तुझे? पंकज तुषार।
मैं बच गया और मेरी गाड़ी का टायर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल रात को तो पंचर था। हमने कहा था ना तुझे कुछ नहीं होगा, देखा कुछ हुआ। देखा कुछ हुआ क्या? अब तुम मुझसे बच नहीं सकते तुषार, मैं करूंगी तुम्हारी तकदीर का फैसला। वही बिना चेहरे वाली औरत, मैं सपना देख रहा था। भगवान का शुक्र, भगवान का शुक्र। रश्मि, रश्मि, ये रश्मि कहाँ चली गई? इसका मतलब मेरी मौत की घड़ी आ गई। मैं याद नहीं होगा, मैं वही कदमों की आवाज, वही दरवाजा, वो आ रही है, वो मुझे मारने लगी। मैं खा चुका, मुझे बचाओ, मैं खा चुका, मैं मारा जाऊंगा। तुमने ऐसा क्यों किया आशा? मैंने तो कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, फिर तुम मेरी जान क्यों लेना चाहती हो? तुषार, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करना चाहती थी मैं, लेकिन लेकिन तुमने कभी भी मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। जब मुझे पता चला कि तुमने रश्मि से शादी कर ली है, मेरे दिल को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। जब तुम मुझे पिछले 2 सालों में नहीं मिले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूं, लेकिन आज रात जब तुम यहां आए तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम्हें। तो तुम ही नहीं, केक में जहर मिलाया। मुझे न जाने क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। तुम रश्मि, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम कहां थी। शाम से ही मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, रात को मुझे फिर वही दौरा आया और मैं नींद में चलने लगी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बाहर वाले हॉल में पाया, पंकज भी वहां पड़े हुए थे। मैंने उनके मुंह पे पानी छिड़का और उन्हें उठाया और तभी हमें तुम्हारी चीख की आवाज सुनाई दी और हम यहाँ आ गए। इसका मतलब मेरे सपनों में जो बिना चेहरे वाली लड़की आती थी वो आशा थी। मुझे माफ कर दो,
तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।